हेलो नीट फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड बॉयज सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा जो डिसीजन आया, जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले थे उनको जो अब एग्जाम जो वो दोबारा देना पड़ेगा, यानी कि 1563 बच्चों को जो वो एग्जाम जो है वो दोबारा देना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ ही नीट के रिलेटेड एक और बहुत बड़ी मेजर अपडेट निकलकर सामने आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने एक ये भी ऑफर रख दिया है उन सारे बच्चों को जिन बच्चों का एग्जाम जो है वो रद्द किया गया, यानी कि 1563 जिन स्टूडेंट को जो एक ऑफर दिया गया है, इनको ये बोला गया कि अगर आप जो है एग्जाम नहीं देना चाहते तो आपके जो ग्रेस मार्क्स कटने के बिना जो आपका स्कोर है वो वैलिड माना जाएगा। जैसे कि मान लो किसी बच्चे के 710 स्कोर आ रहे हैं, तो इसको मान लो 25 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिला था, मान लो इसको 25 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिला था, तो इसमें से 25 माइनस कर दो तो यानी कि 685 मार्क्स जो है आपके वो है वो वैलिड माने जाएंगे। यानी कि आपके जो है मार्क्स वो ग्रेस मार्क्स को हम हटा देंगे। ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद अगर आपको लगता है कि आप 685 मार्क्स से सेटिस्फाइड हो, आपको किसी ना किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल सकती है, तो दोबारा से आपको रीनीट जो है वो देने की नीड नहीं है, दोबारा से आपको रीनीट देने की नीड नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे के सारे बच्चों के लिए ऑफर रखा है 1563 स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप जो अपना स्कोर वैलिड करवाना चाहते हैं तो आपको बिना ग्रेस मार्क्स के स्कोर जो है वो आपका वैलिड माना जाएगा, जो जिसकी वजह से रैंक के अंदर उलट फेर फिर से सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। अब ये बच्चों के ऊपर है कि वो इतने स्कोर से सेटिस्फाइड है या नहीं है, कितने स्कोर से बिना ग्रेस मार्क्स के क्या वो किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते, उनको देखना है कि वो दोबारा से रीनीट देना चाहते हैं या फिर नहीं देना चाहते। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बता नहीं पाया था कि जो हमारा 23 जून को जो है वो एग्जाम होना है, एग्जाम डे जो है वो एग्जाम डेट जो है वो 23 जून को रखी गई है, और इसका जो रिजल्ट है वो 23 की बजाय 30 जून को आएगा। 23 जून को आपका एग्जाम होगा, उसके बाद 30 जून तक इन्होंने बोला है आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, रिजल्ट आपका जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इन सारे बच्चों का जो एग्जाम है वो 23 जून को होना है, रिजल्ट आपका 30 जून को आएगा। और जिन बच्चों को एग्जाम नहीं देना है वो बिना ग्रेस मार्क्स के अपने स्कोर को वैलिड जो है वो करवा सकते हैं। लेकिन एक चीज की सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक डिसीजन नहीं दिया है, वो किस चीज का डिसीजन नहीं दिया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो अगर कोई बच्चा बिना ग्रेस मार्क्स के, मान लो उसका 685 स्कोर बन रहा है, अगर वो ग्रेस मार्क्स हटा दे तो, लेकिन अगर वो एग्जाम दोबारा से 23 जून को रिजल्ट एग्जाम दे देता है, 30 जून को उसका मान लो स्कोर आ जाता है 650, मान लो वो दोबारा एग्जाम देता है तो उसका रिजल्ट आता है 650, तो वो दोनों में से कौन से मार्क्स को वैलिड करवा सकता है? दोनों में से एक वैलिड करवा सकता है या फिर पिछले वाला स्कोर जो है वो वैलिड करवा सकता है या फिर जो नया उसने एग्जाम दिया वो वाला स्कोर उसका वैलिड होगा? ये चीज के बारे में अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताया है। दोबारा अच्छे से चीज को समझ लो कि अगर मान लो उसके बच्चे के 710 मार्क्स बन रहे थे विद ग्रेस मार्क्स को हटा दिया जाए तो कितने मार्क्स बन रहे हैं? 685 बन रहे हैं। तो बच्चा दोबारा एग्जाम देता है कि नहीं मैं 685 से सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे 700 प्लस चाहिए, तो मान लो उसके 700 प्लस नहीं 650 आ जाते हैं, लेकिन पिछले वाले एग्जाम में ग्रेस मार्क्स हटाकर भी उसके 685 बन रहे थे, अब उसके 650 बन रहे हैं, तो दोनों में से कौन सा जो स्कोर है उसका वैलिड माना जाएगा? ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक डिसीजन नहीं दिया है। अभी हमें वेट करना पड़ेगा 30 जून का, तब तक हमें पता चलेगा कि कौन सा रिजल्ट कैसे वैलिड होगा, कैसे रिजल्ट के जो रिजल्ट आता है उसके हमारे पास जो रैंक है बच्चों का वो कैसे उलट फेर खाता है, कौन फर्स्ट रैंक पे दोबारा जाता है, कौन से जो लेकिन जो नीचे वाले बाकी के बचे हुए बच्चे हैं 23 लाख जो बाकी बचा हुआ बच्चा है, लेकिन उनका क्या काउंसलिंग के ऊपर भी जो है वो रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए जो है वो मना कर दिया है। तो ऐसे बच्चों का जो बाकी जगह बचे हुए बच्चे हैं उनका क्या होगा? तो उसका डिसीजन अभी जो है वो 8 जुलाई को आएगा कि उनके ऊपर जो है रीनीट जो हमारे पास बाकी बच्चों की पेपर लीक हुआ उस सब चीज की सुनवाई अभी होनी बाकी है। लेकिन अभी एक स्टेप के ऊपर हमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उसका क्या दिया है, रिस्पॉन्स दिया है, रिजल्ट दिया है। बाकी इसका जो रिजल्ट का रिस्पॉन्स है वो 30 जून को हमें को देखने को मिलेगा, उसके बाद 8 जुलाई को दोबारा से याचिका के ऊपर जो है सुनवाई है, तब हमें मेजर चीजों के बारे में जो कंफर्मेशन मिलेगी। तो इस तरह की सारी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी काउंसलिंग के रिलेटेड, एडमिशन के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपका भाई आप तक पहुंचा सके, किस कॉलेज की कितनी कितनी कट ऑफ रहेगी, कैसे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है काउंसलिंग करते टाइम, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।